गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर टू चैप्टर नेम इज नेचर इट इज अ पोयम नेचर नेचर मीन्स क्या नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स ये क्या हो जाता है नेचर में आ जाता है नेचर मीन्स निसर्ग जैसे नेचर क्या कहते हैं हम जिसे निसर्ग कहते हैं नेचर मीन्स निसर्ग सो लिसन सिंग एंड एक्ट सो आपको ये पोयम लिसन करनी है सिंग करनी है और विथ एक्शन के साथ क्या करनी है लर्न करनी है सो so, I recite this poem first. You listen carefully. Nature is might. Nature is strong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is smart. Nature is blue. Nature is green. Nature is true. Nature is you. नेचर इज मी नेचर विल फॉर एवर बी फ्री सो नेचर मीन्स क्या निसर्ग जो आपके सराउंडिंग में जो भी थिंग्स है एनिमल्स है पीपल ट्रीज ये सब क्या हो जाते हैं नेचर में आ जाते हैं सो नेचर कैसा है नेचर के बारे में यहाँ पे हमको इस पोएम में दिया है कि नेचर कैसा है सो नेचर इज माइट माइट मीन्स ब्रेव नेचर कैसा है शक्तिशाली है ब्रेव है नेचर कैसा है माइट है नेचर इज स्ट्रांग नेचर कैसा है स्ट्रांग है नेचर इज़ ब्यूटी और आपको तो मालूम है नेचर ब्यूटीफुल भी है कैसा है ब्यूटीफुल है सुंदर है नेचर बहुत ही सुंदर है नेचर इज़ मूड़ी नेचर इज़ मूड़ी मीन्स वो अपने मूड के शरीर का हो जाता है कभी रेन होती है कभी आ, क्या हो जाता है धूप होती है तो कभी ठंडी हवा होती है नेचर में विंटर है समर है रेनी सीजन है तो नेचर कैसा है मूड़ी है अपने मूड क्या करता है वो चेंज करता है मूडी मीन्स जिसका मूड चेंज हो जाता है उसे मूड़ी बोलते हैं सो नेचर इज मूड़ी नेचर इज स्मार्ट नेचर कैसा है स्मार्ट है देखने में कैसा है स्मार्ट ब्यूटीफुल है फाइन है नेचर इज़ ब्लू आपको तो मालूम है आप तो इस पिक्चर में देख रहे हो तो आपको मालूम है स्काई का कलर कैसा है ब्लू सी का कलर वाटर का कलर कैसा है ब्लू सो नेचर कैसे दिखता है ब्लू दिखता है नेचर इज ग्रीन नेचर ग्रीन भी दिखता है क्यों क्योंकि देखो अभी बारिश के दिन है तो नेचर कैसे दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है सब तरफ हरियाली छाई है ऑल ट्रीज ग्रीन है और हील जो भी प्लेस है वो कैसे दिखता है ग्रीन दिखता है इसीलिए नेचर इज ग्रीन नेचर का कलर ग्रीन भी है नेचर का कलर ब्लू भी है नेचर इज ट्रू नेचर क्या है एक सत्य है और नेचर ट्रू है राइट right है नेचर इज यू आप आते हो नेचर में आते हो नेचर इज मी और मैं कहाती हूँ मैं भी नेचर में आती हूँ नेचर का एक पार्ट आप भी हो मैं भी हो और नेचर विल फॉर एवर बी फ्री नेचर क्या है सबके लिए फ्री है है क्यों क्यों आपको पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या no हवा के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या एयर के लिए नो no. सो so, आपको सनराइज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या नो no. इसीलिए नेचर क्या है सब के लिए आपको क्या है फ्री है सो so, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल सो so, आपको ये जो पोयम है वो क्या करनी है विथ एक्शन के साथ सिंग करनी है लर्न करनी है सो so, Repeat after me. Nature is might. Nature is strong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is smart. Nature is blue. Nature is green. Nature is true. Nature is you. Nature is me. Nature will forever. बी थ्री सो इस तरीके से आपको ये पोएम रिसाइट करनी है सो टू नंबर में दिया है लुक एंड से यहाँ पे आपको जो पोएम में आए हुए कुछ वर्ड्स दिए हैं तो वो वर्ड्स आपको लर्न करने हैं एन ए टी यू आर ई नेचर मीन्स निसर्ग परिसर एम आई जी एच टी माइट एम आई जी एच टी माइट स्ट्रोंग स्ट्रॉन्ग ब्यूटी ब्यूटी मूड़ी स्मार्ट ब्लू ग्रीन ट्रू एवर एंड फ्री ये जो वर्ड्स है वो आपको लर्न करने है सो थ्री नंबर में दिया है डिस डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर देखो हमको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है वो कौन सा है नेचर का है ये पिक्चर कौन सा है ऑल पिक्चर जो है ये नेचर का है तो हमको जो थिंग्स दिए है वो क्या करने हैं डिस्क्राइब करने हैं मिस कौन कौन से थिंग्स आए हैं इसमें आपको बताना है सो so, इसमें है इसमें आया है सन सन कहाँ आता है नेचर में आता है और सन का कलर कैसा है येलो नेक्स्ट है क्लाउड्स क्लाउड्स मीन्स बादल आकाश में आते हैं स्काई में जो आते हैं वो बादल वो भी नेचर में आते हैं और जब रेन होती है रेन होने के बाद स्काई में क्या आता है रेनबो कितने कलर्स है रेनबो में सेवेन तो रेनबो भी एक नेचर का पार्ट है नेक्स्ट है बर्ड्स बर्ड्स भी कहाँ आते हैं नेचर में आते हैं नेक्स्ट है ट्रीज ट्रीज भी नेचर में आती है फ्लावर्स प्लांट्स हील रिवर स्काई ये सब क्या है नेचर के पार्ट है सो फोर नंबर में दिया है टेल अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स हमको नीचे कुछ थिंग्स दिए है तो उसके बारे में आपको क्या करना है बताना है तो इसमें फर्स्ट है क्या है ये ट्री तो वो ये क्या है धिस इज अ ट्री इट्स कलर इज ग्रीन इट गिव अस फ्रूट्स एंड सेड्स ये क्या देती है हमको फ्रूट्स देती है शेड देती है तो ट्री के बारे में आपको ये बताना है नेक्स्ट है फ्लावर्स इट इज़ अ फ्लावर इट गिव अस स्मेल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ये जो फ्लावर्स है वो हमको स्मेल देते हैं नेक्स्ट है, Next है बर्ड ब इट इज अ बर्ड इट फ्लाई इन द स्काई सो इस तरीके से ये जो थिंग्स है इसके बारे में हमको क्या करना है बताना है सो लेट्स एंड रिसाइड दिस पोयम थैंक यू सो मच